हमारे लिए थी कि पहली बार मैंने निर्देशन किया है। मैं एज संगीतकार ही काम करता था, लेकिन पहली फिल्म है हमारी एज निर्देशन, और निर्माता इसके मैं अश्विनाथ यादव जी हैं। और इसमें स्टार कास्ट आप देख सकते हैं, शांति सिंह जी, राज यादव, अभयराज यादव, संजय पांडे जी, अयाज खान साहब, सिद्धि भट्ट और तमाम भोजपुरी के कलाकार हैं। यहाँ पे लखनऊ शहर से भी अविनाश शुक्ला जी हैं, अनीता सिन्हा जी हैं, और भी तमाम कलाकार हैं, और बाकी टेक्निशियन जितने भी थे लगभग लगभग 70% अपने लखनऊ से नहीं गए थे। हमें बड़ी खुशी की बात है कि मैं लखनऊ में रहते हुए अच्छी सिनेमा बनाया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि रिलीज होने के बाद ऑडियंस भी इसको अच्छा रिस्पॉन्स। सरकार लखनऊ के कलाकारों को इतना प्रोत्साहित कर रही है, और ख़ासतौर से भोजपुरी कलाकार काफ़ी इसमें प्रोत्साहन में, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? बड़ी खुशी की बात है कि सरकार हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश के कलाकारों की बहुत ही ज़्यादा अहमियत दे रही है, और उनको रखने उनको अगर हम सिनेमा में रखते हैं तो हमें सब्सिडी का भी एक वो एडवांटेज मिलता है। तो ये हम सिनेमा वालों के लिए एक्सपेक्टर का काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी हमारे ये पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी की देन है, बाकी आज माननीय योगी जी हम लोग को दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। क्या खास इस मूवी में हम दर्शकों को देखने को मिलेगा? मनोरंजन के तौर समाजवादी विचारधारा के हिसाब से दुल्हन एक प्रेम कहानी जो हमारी फिल्म है, ये एक महिला प्रधान फिल्म है, और महिलाओं के जो अत्याचार होते हैं उसके उसको देखते हुए इसे सिनेमा को क्रिएट किया गया है। इसके राइटर मनोज पांडे जी हैं जो बहुत ही अच्छे राइटर माने जाते हैं इंडस्ट्री के, तो उन्होंने इसे लिखा है। और इसमें गीत जो है स्पेशली गीतकार बहुत अच्छे अच्छे हैं, हमारे मीत नौशाद खान साहब हैं, एक नया लड़का बुलेट बिगोड़ अजीत मंडल जी बहुत अच्छे आर्टिस्ट माने जाते हैं लिरिक्स वो भी है। और कुल मिलाकर ये कहना चाहते हैं कि सामाजिक फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, और महिला प्रधान। संगीत, आपने संगीत का पहली बार तो आपने डेब्यू किए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, कितना कठिनाई रहा निर्देशन का कार्य करने में, कुछ बताना चाहेंगे? संगीतकार में तो डेब्यू नहीं किया हूँ फिलहाल, हाँ एज ए निर्देशक की डेब्यू फिल्म है मेरी, लेकिन इससे पहले हमने प्रोड्यूस भी किया है दो फिल्में, तो बहरहाल वहाँ से सीखा, और ये पहली फिल्म है। और आप देखेंगे तो लगेगा नहीं कि आपको कि ये मेरी पहली फिल्म है। अच्छा, इसके बारे में एडिटर लोग बड़े अच्छे से व्याख्या करते हैं, क्योंकि एडिटर जो होते हैं फिल्म बनने के बाद लगा कि नहीं कि आप पहली बार फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म बनी है, और बहुत सारे प्रॉब्लम को झेल रहे हैं आजकल, आप समझ ही रहे हैं कि एज ए डायरेक्टर आप जब कोई काम कर लेते हैं तो फिर आपको कोई संगीतकार नहीं लेता है, जैसे संगीतकार था लेकिन अब निर्देशक हो गया। अभी बता दें कि रिलीजिंग कब तक होने वाली है ये फिल्म, कुछ बता दें? हमारे दिसंबर 2nd वीक में इसका ट्रेलर रिलीज होगा, उसके बाद जो प्रोसीजर होता है कंपनी का, कंपनी को देने के बाद कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। ऐसे ये दुल्हन का नाम देखने के बाद में एक लग रहा है ये सामाजिक मुद्दों को लेकर या पारिवारिक, या ज़्यादा दृष्टिकोण इसमें सामाजिक मुद्दों को लेकर बनाया गया है या पारिवारिक दृष्टिकोण? क्योंकि पारिवारिक भी है सामाजिक भी है, सामाजिक इस लिहाज से है क्योंकि पारिवारिक जब चीज़ें होती हैं तो बहुत दूर तक समाज तक नहीं फैल पाती है, लेकिन ये फिल्म के द्वारा हम समाज में दिखाना चाहते हैं कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है या फिर उनके साथ कुछ बाहरी लोगों की वजह से भी उनकी लाइफ बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसको हमने शॉर्ट आउट किया है दुल्हन एक प्रेम कहानी से कि आप ऐसे ऐसे। बात करें निर्माता की, इस फिल्म का आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर MLA जी अपने, आपके काशीनाथ जी आपके साथ में काफ़ी वर्क आपके काम में हमेशा लगाए रहते हैं, उनकी क्या कितना सपोर्ट रहा, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए भैया के बारे में मैं कुछ बहुत तो नहीं कह सकता, कम शब्दों में बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि आप विकिपीडिया के आदमी हैं, हम लोग अभी IMP के आदमी, आपको गूगल कौन नहीं जानता, आपकी फिलहाल जो है MA के सिलेबस में ही आता है, पढ़ाया जाता है, तो आपका आशीर्वाद मेरे साथ ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, और मैं रब से हमेशा यही दुआ करता हूँ कि आपकी दुआ और हमारे साथ ऑलवेज बना रहे। राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर दोनों लोग साथ में बैठे हैं, क्योंकि ऐसा संगीत का होने का जरूर है, कम से कम दो शब्द जरूर संगीत का होना चाहिए, कुछ अगर दो गुनगुना देते हैं। अरे गीत है वो जो अंश आपको सुना देता हूँ जरा सा भैया। पायल छन छन ओ चूड़ी खन खन, पायल छन छन चूड़ी खन खन, खन का वेलू छन का वेलू, जियरा के मोरा तरसा वेलू, ओ पायल छन छन चूड़ी खन खन, बिंदिया में निंदिया हेराइल, लागे परी कोनो धरती पर आइल।
बिंदिया में बिंदिया है राइल, लागे परी कोनो धरती पर आइल, उपायल छन छन चुड़ी खन 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 कावेलू छन कावेलू, जियरा के मोरा तड़पावेलू। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।